एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में टॉर्नेडोज और हरिकेन्स के बारे में जाना था, और हमने देखा था कि कैसे टॉर्नेडोज फॉर्म होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि जो टॉर्नेडोज को साइक्लोन्स को किस किस नाम से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हम कहते हैं। सो आई होप आपने वो लेक्चर अच्छे से देख लिया, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पूरे चैप्टर का और इस प्रीवियस लेक्चर का पूरा प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो आज हम फर्दर करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि अब हम जो आज हम ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो इस लेक्चर में बेसिकली हम सेफ्टी मेजर्स देखेंगे कि कैसे किसी टॉर्नेडोज हमें कैसे मेजर्स लेने चाहिए कि जब कोई टॉर्नेडोज या साइक्लोन्स आए, तो इसमें बेसिकली कहा गया ये देखते हैं। सो इसमें बेसिकली सबसे पहले हेडिंग है आपकी इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। तो इसमें बेसिकली है क्या, अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज। तो बेसिकली ये सारी मेजर्स है कि हमें क्या क्या लेना चाहिए कि जब हम एक साइक्लोन फेस करें। सो इसमें सबसे पहला है कि एक साइक्लोन फोरकास्ट हमें देखनी चाहिए कि साइक्लोन कब आएगा, कैसे आएगा, और हमें वार्निंग भी देखनी चाहिए कि अगर कैसी वार्निंग है, वार्निंग है कि नहीं। सो हमें सबसे पहला स्टेप यही करना चाहिए। दूसरा स्टेप हमें क्या करना चाहिए, दैट रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। तो बेसिकली हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब भी कोई साइक्लोन या कोई टॉर्नेडो आता है तो सबसे पहले इफेक्ट होता है कम्युनिकेशन लाइन, और इसकी वजह से कम्युनिकेशन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। सो बेसिकली ये सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो ज्यादातर गवर्नमेंट्स लेती है, और इसलिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग द साइक्लोन। और जैसे कि हमने ये जो थर्ड पॉइंट में कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि व्हाट आर साइक्लोन शेल्टर्स। सो अगर आपको वो चैप्टर वो लेक्चर अच्छे से क्लियर ना हो तो आप एक बार फिर से जाके उसे देख सकते हैं ताकि आपके लिए एकदम क्लियर हो जाए। सो आई होप आपको ये इफेक्टिव मेजर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो अब नेक्स्ट आता है, व्हाट इज एनीमोमीटर। सो बेसिकली एनीमोमीटर होता क्या ये जानते हैं। सो वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम्स एंड विंड स्पीड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टॉर्म्स, एंड इट इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू मेजर विद द विंड स्पीड, एंड द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड एनीमोमीटर। सो बेसिकली जैसे कि हमने देखा किसी साइक्लोन या किसी टाइप, जैसे कि हम देख सकते हैं हरिकेन्स के टाइम पे, किसी टॉर्नेडोज के टाइम पे हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लो प्रेशर सिस्टम होता है। जैसे हमने देखा था कि जब हम साइक्लोन हमने स्टार्ट करा था वो वाला लेक्चर, तो सबसे पहले उसमें बोला क्या गया था कि जो साइक्लोन की स्पीड होती है वो हाई होती है, और इसी की वजह से जो उनका प्रेशर होता है वो लो होता है, और इसलिए जो किसी भी टॉर्नेडो या साइक्लोन के आने से पहले जो विंड की स्पीड होती है हमेशा तेज हो जाती है, क्योंकि तभी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। तो इसके लिए कि विंड की स्पीड कितनी है, विंड को स्पीड को मेजर करने के लिए, तो हम एक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एनीमोमीटर। सो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनीमोमीटर। सो ये बेसिकली ये है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज टू मेजर द विंड स्पीड सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट द ऑल द स्टॉर्म्स विच आर एट लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि एनीमोमीटर बेसिकली होता क्या है, कि कैसे उसकी विंड। सो एनीमोमीटर अगर आपने नहीं देखा हो आपकी बुक में भी डायग्राम है, वो कुछ ऐसे दिखता है एनीमोमीटर। इसमें थ्री या फोर होते हैं ये कप्स जैसे शेप, और जैसे ही विंड आती है वो यहाँ से ऐसे करके कलेक्ट होती है और वो यहीं पे से ऐसे करके बाहर निकलती है, तो इसकी वजह से ये चीज रोटेट करती है पूरा, ये इधर से रोटेट करता है, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, तो ऐसे करके वो जितना ही तेज घूमेगा उतनी ज्यादा हाई प्रेडिक्शन होती है एक स्टॉर्म के आने में। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब आता है कि एक्शन ऑन पार्ट ऑफ द पीपल। सो अब आता है मेजर्स की पीपल को लेना चाहिए व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म और अ साइक्लोन। सो क्या है इसमें, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इश्यूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स। सो बेसिकली हमें कभी भी वार्निंग्स जो हमने जैसे न्यूज तो हर कोई देखता है,
जो भी रेडियो पे या न्यूज पेपर में कोई भी वार्निंग है, हमें कभी भी उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो प्रॉपर स्टडी करके प्रॉपर प्रेडिक्शन करके ही हमें कोई स्टॉर्म की वार्निंग देता है, वो ऐसी कोई वार्निंग नहीं देता, तो हमें कभी भी उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और हमें उसको स्ट्रांगली फॉलो करना चाहिए। एंड वी शुड ऑल्सो फर्स्ट मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स टू सेफर प्लेस। तो हमने सबसे पहले जब पीपल को पता चले कि एक साइक्लोन आने वाला है, तो सबसे पहले हमें अपने हाउस होल्ड गुड, मतलब जो इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेना चाहिए, जैसे फूड, वाटर, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वो हमें सबसे पहले उसके अरेंजमेंट करना चाहिए। और हमें अपने व्हीकल्स और स्पेशली हमें अपने एनिमल्स की, क्योंकि एनिमल्स में भी बेसिकली लाइफ होती है, तो इसलिए एनिमल्स और व्हीकल्स को हमें सबसे पहले, इन सबको हमें सेफर प्लेसेस, मतलब जहाँ पे साइक्लोन आने की जीरो चांसेस हो, मतलब जैसे ये वही हो सकती है जैसे साइक्लोन शेल्टर होता है, तो इन सब चीजों में हमें शिफ्ट करनी चाहिए चीजें। एंड सेकंड, अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स मे हैव डैमेज द रोड्स, एंड कीप रेडी द फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। तो हमें सबसे ज्यादा साइक्लोन्स में या फ्लड्स में ड्राइविंग करना बहुत अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम न्यूज भी देखते होंगे कि अगर हमने पिक्चर्स उसमें वीडियोस दिखाते हैं तो वो देखते हैं, आप देख सकते होंगे कि वो मतलब जो कार्स वगैरह होती है वो एकदम बह जाती है, तो इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। और हमें फोन नंबर्स भी रेडी रखने चाहिए कि कैसे कोई भी इमरजेंसी सर्विस हो तो हम उसको कॉल कर सके, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन सबसे पहले टूटती है, तो हम जल्द से जल्द हमें करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो वेदर है वो बहुत खराब हो रहा है, तब हमें हेल्प की कॉल करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा दैट व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक एज एज पीपल टू इग्नोर टू बेसिकली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स। सो अब नेक्स्ट में है आपका कि प्रिकॉशंस इफ स्टेइंग इन साइक्लोन हिट एरिया। सो दोनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो जो पीछे वाला प्रिकॉशंस था वो सबके लिए कॉमन है, और ये वाले जो प्रिकॉशंस है वो उनके लिए जहाँ पे साइक्लोन हिट कर रहा है, जो मेन सेंटर है। तो इसमें क्या है, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी। सो हमें वैसा पानी नहीं पीना चाहिए जो खराब हो, चाहे कितनी भी क्या बोलते हैं वो हो, हमें कभी भी कंटेमिनेटेड नहीं पीना चाहिए। हमेशा हमें वाटर स्टोर करके रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले अपने इसेंशियल्स को हमने प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें उसे सेफ साइड पे रखना चाहिए। और फिर सेकंड, डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉरेन पावर लाइंस। क्यों? क्योंकि जब कोई पानी किसी इलेक्ट्रिसिटी पे, जैसे गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिस जो वाटर पे, सो इसलिए वो कैसी, अगर हम फॉरेन पावर लाइंस को छुएंगे तो उसमें करंट आने के चांसेस है और हमें करंट लग सकता है। तीसरा क्या है, डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। सीरियसली दिस इज, हमें साइक्लोन में कभी भी जहाँ पे साइक्लोन हिट करा है हमें कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए, जब तक जो एरिया है वहां पे जाना सेफ नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट अ फन, बिकॉज जो साइक्लोन हिट एरिया होता है वहां पे बहुत ज्यादा चीजें बहुत हार्म हुई होती है, बहुत ऐसा माहौल होता है जहाँ पे फन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। फोर्थ, Do not pressurize the rescue force by making undue demands. हमें rescue force को कभी भी हमें उनके demands नहीं रखनी है, मतलब अगर हम उनको basically हमें pressure नहीं रखना चाहिए, बोल हम सकते हैं पर हमें उनको pressure नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनपे इतना already pressure होता है, क्योंकि एक पूरा जहाँ पे hit area वहाँ पे उनको बहुत लोगों को करना है और हमें उनके साथ cooperate करना चाहिए, उनके मतलब चीजों को समझना चाहिए basically, तो उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बस हम उनको अपनी डिमांड रख सकते हैं पर हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, वो अपने आप ही अपना काम करेंगे, ठीक है। सो फिफ्थ क्या है, कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपने नेबर्स की, अपने फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है जब सबसे ज्यादा एक पर्सन चाहता है कि कोई उसकी आके मदद करे इफ ही और शी इज इन ट्रबल। तो इसलिए हमें सबसे पहले उनके साथ कोऑपरेट, चाहे वो कितने भी कैसे भी हो, पर मतलब जब बुरे वक्त आते तो सबकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है कि कौन सा साइक्लोन हिट एरिया में होगा और कौन सा नहीं, तो ये चीज समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि
जो ये वाला वो साइक्लोन हिट एरिया में, और जो वो वाला वो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में 100% ये आएगा, ठीक है। सो अब आता है एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प। सो अब इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प में इसमें बेसिकली आता क्या है कि कैसे जो आज की लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है वो कैसे हमें हेल्प करती है साइक्लोन्स के प्रिवेंट करने के लिए, कैसे हमें अलर्ट मिलता है, कैसे हमें वार्निंग मिलती है किसी भी साइक्लोन के आने की। तो अब हम इसमें वही देखेंगे, और ये वाला भी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से क्या क्या चीजें बताई गई है। तो इसमें दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल रेजिडेंट्स मे हैव हैड लेस देन अ डे टू प्रिपेयर और इवैक्यूएट देयर होम्स फ्रॉम एन ऑन कमिंग साइक्लोन। सो पहले के अर्ली सेंचुरीज में क्या होता था, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी तो हमें पता नहीं चलता था कि साइक्लोन आने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइक्लोन आने से पहले जो ओशंस के वो जो पानी है वो कोस्टल एरियाज में, मतलब जो नीचे वाले जो उनके सिटीज होती है उस पर आने लग जाता है। सो तभी लोगों को पता चलता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो इसलिए उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है अपनी चीजों को इवैक्यूएट, मतलब संभाल के रखने का, अच्छे से रखने का कि कोई साइक्लोन आने वाला है तो उसको प्रोटेक्ट करे। तो इसलिए आज के वर्ल्ड में बहुत चीजें एडवांस हो गई है, उनमें काफी डिफरेंसेस आ गए हैं। आज की डेट में सैटेलाइट्स, जिसको हम बहुत मतलब थैंकफुल मानते हैं कि सैटेलाइट्स के इन्वेंशंस और रेडार्स के इन्वेंशंस, जिसकी मदद से हमें एक साइक्लोन अलर्ट मिल जाता है कि एक साइक्लोन आने वाला है, और इसी को क्या कहते हैं, साइक्लोन अलर्ट या फिर साइक्लोन वॉच, विच इज इशूड 48 hours इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म, एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 hours इन एडवांस। सो बेसिकली साइक्लोन रेडार्स और सैटेलाइट बेसिकली क्या करते हैं, उनको कैसे पता चलता है सैटेलाइट से कि कहीं पे साइक्लोन आने वाला है। तो जैसे कि अगर आपने अभी अभी तक मेरे आते हुए लेक्चर देखे होंगे, तो मैंने हर स्लाइड में इमेज जरूर लगाई थी कि वो अर्थ के टॉप पे क्लाउड्स का फॉर्म होता था साइक्लोन जैसा। तो सैटेलाइट्स वही देखता है कि जहां जहां जिस जिस कंट्रीज में जिस जिस कॉन्टिनेंट पे वैसा वो सर्कल बनता है, तो वो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, और फिर वो ये भी प्रेडिक्ट करता है कि वो साइक्लोन पूरा, मतलब एक साइक्लोन के आने से लेकर एक साइक्लोन के खत्म होने तक वो सैटेलाइट इतना अच्छे से हमें बताते हैं, क्योंकि जो साइक्लोन्स है वो एक जगह पे नहीं रहते, वो मतलब मूव कर सकते हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री है, सो ऑन। तो इसलिए वो देखता है, उसकी पूरी अपडेट रखता है कि वो कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे उसकी प्रिडिक्शन है, तो उस आसपास जो सारी कंट्रीज है वो पूरे एरिया का हमें अलर्ट मिल जाते कि वहां पे साइक्लोन आने वाला है, और यही अलर्ट हमें 48 आवर्स पहले मिल जाता है, मतलब 2 दिन पहले हमें वो अलर्ट मिल जाता है, और बस वो कंफर्म हो कि साइक्लोन आने वाला है तो वो हमें 1 दिन पहले पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो सब एकदम प्रिपेयर रहते हैं। तो ये चीज पहले पिछले अर्ली सेंचुरीज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि वो उतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हो नहीं पाती थी, ठीक है। फिर क्या, द मैसेज इज ब्रॉडकास्टेड एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट, सेवन नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। तो आपने जैसे न्यूज में देखो, तो आप देख सकते हैं कि न्यूज कंटिन्यूसली अपडेट करते हैं कि साइक्लोन कहाँ पहुंचा, कैसे उसकी प्रिडिक्शन होती है, वो तो वो चीज से हमें काफी हेल्प मिल जाती है कि हमें पता चल जाता है कि साइक्लोन कब कोस्ट के पास आएगा, कहाँ पर है, उसकी लोकेशन प्रॉपरली हमें एक प्रिडिक्शन मिल जाता है। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा जब साइक्लोन से जो डिस्ट्रक्शन फॉर्म होती है, उसके बाद अगर आपने देखा तो बहुत सारी जो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कोऑपरेट करती है, वो मदद करती है, मतलब एकदम रिहैबिलिटेशन का एकदम अच्छे से वो देखती है। सो बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजी ने इतनी मदद कर दी है कि आज कल हमें साइक्लोन के बारे में एकदम प्रॉपरली पता चल जाता है, 24 hours 48 hours पहले पता चल जाता है, लोगों को टाइम मिल जाता है, बहुत सारी लाइफ प्रॉपर्टी की हेल्प हो जाती है, मतलब प्रॉपर्टी सेव हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत हेल्प होती है, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों की थोड़ी सेव होती है, ठीक है। सो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसको हम ब्लू पेन से मार्क कर लेते हैं।
तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोन अलर्ट होता क्या है, या साइक्लोन अलर्ट को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, विच इज साइक्लोन वॉच, और वो कितने घंटे पहले होते हैं, 48 आवर्स इन एडवांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साइक्लोन अलर्ट कितने घंटे पहले होती है, वेयर एज एक साइक्लोन वार्निंग। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों चीज एक है और दोनों को मतलब बहुत स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो एक साइक्लोन वार्निंग होती है 24 आवर्स पहले, और एक साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच होती है 48 आवर्स पहले। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे भी करके टीचर घुमा के दे सकती है, तो आपको इसको याद करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला भी समझ में अच्छे से आ गया होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी की कैसे हेल्प करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आज की डेट में कुछ चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, अब हमने ये फाइनली ये वाला भी चैप्टर जो है ओवर कर लिया है। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप एक बार इस चैप्टर को फिर से अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसको थोड़ा जानने में मजा भी आता है, क्योंकि इसमें हमारी कंट्री के बारे में जानने का मौका मिलता है कि कैसे एक साइक्लोन वेदर कैसे होता है, क्यों फॉर्म होता है, कैसे मदद करते हैं, कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप अपडेटेड रहे। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आप और मैं आंसर कर दूंगी। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।